आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इंग्लिश वोकैबुलरी के हम 5 वर्ड्स डेली देखते हैं, कैसे याद करना है हम आपको बताते हैं, बहुत ही आसान तरीके से याद करना बताते हैं, रियल चीजों से आप वर्ड्स को कैसे रिलेट करें आपको पक्का याद हो जाएगा। तो आज के 5 वर्ड्स कौन कौन से हम देखते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है, और एक चीज और बता दूं, वर्ड मीनिंग की कॉपी बना लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वोकैब जो है वो हर जगह पूछी जाती है और आप हर जगह इन सारे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। और ये वो वर्ड्स हैं दोस्तों, या तो एग्जाम में आ चुके हैं या बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है आने की। तो दोस्तों, पहला जो वर्ड है आप देखिए, फेसेंड, इसको फीकंड नहीं पढ़ते हैं, इसको फेशेंड पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस वर्ड को देखें और पहले वर्ड को देखें, फी, भैया जब आप फी देते हैं, वैसे फिशेंट की ओरिजिनल मीनिंग होती है फ्रूटफुल, ठीक है। तो जब भी आप फी देते हैं ट्यूशन की, वैसे तो यूट्यूब पे सब फ्री लेक्चर्स हैं, तो क्या होता है, आपको फल मिलता है। तो फी जब भी आप देते हैं किसी भी ट्यूशन में, स्कूल में, आपको उसका फल मिलता है। तो फी देने से आपको फिशेंट मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रूटफुल, इसकी ओरिजिनल मीनिंग जो होती है फ्रूटफुल। दूसरा जो वर्ड है दोस्तों वो है इंसीडियस। इंसीडियस मूवी आई थी वैसे, बड़ी खतरनाक थी हॉलीवुड की। इंसीडियस का मतलब होता है सीक्रेट। तो इंसीडियस को पढ़िए क्या, इसके एक मिनट क्यों, मैं बोर्ड साफ कर देता हूं, मैं बोर्ड बहुत गंदा कर देता हूं, आई एम रियली सॉरी। अब बिल्कुल ठीक है, इसके शुरू के 6 वर्ड्स को देखिए। इनसाइड, भैया इनसाइड, इंसान अपने अंदर बहुत सारे सीक्रेट छुपा के रखता है, ये तो सभी को पता है। स्पेशली जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो आप कभी भी बहुत ज़्यादा अपने सीक्रेट, मतलब काफ़ी लोग होते हैं जो छुपाते हैं, और जब ये दूसरे इंसान को पता चलता है तो बड़ा गुस्सा आता है। तो क्या है कि इंसीडियस का मतलब होता है सीक्रेट, इसकी ओरिजिनल मीनिंग है सीक्रेट। याद कैसे करेंगे, इनसाइड बहुत सारे इंसीडियस हैं, लिख लीजिएगा, इस तरह से याद करिएगा। तो कभी भी आप जब भी शांत बैठे हैं और कभी भी आप कोई भी सीक्रेट किसी से छुपाएं, कोई भी राज किसी से छुपाएं, उसका बाद में सोचना, पहले याद रखना इंसीडियस का मतलब क्या होता है, सीक्रेट। अब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों, इंपेयर का मतलब होता है हर्ट, डैमेज, सबसे बढ़िया, किसी को हर्ट करना, डैमेज करना। दोस्तों जो रिलेशनशिप में होते हैं, जो पेयर होते हैं, ठीक है, इनके आखिरी के 4 वर्ड्स को देखिए, पेयर, उनमें काफ़ी कई बार झगड़ा हो जाता है। वैसे भैया झगड़ा मत किया करिए, अगर ऐसा कभी भी झगड़ा हो तो सॉरी बोल दिया करिए, सॉरी बोलने से हमेशा बड़ी बड़ी रिलेशनशिप ठीक हो जाती हैं। तो पेयर्स में हमेशा कभी कभी झगड़ा हो जाता है और इस झगड़े से दोनों ही लोग हर्ट या डैमेज हो जाते हैं, ये तो कोई नहीं भूलेगा, ठीक है। तो कभी भी आप अपनी गर्लफ्रेंड से या किसी से भी बात करें तो सबसे पहले आप क्या पूछेंगे, इंपेयर का मतलब क्या होता है पहले बताओ, ऐसे याद होगा, भैया एसएससी निकलने वाला है तो याद रखिएगा, इंपेयर का मतलब होता है हर्ट, डैमेज, भैया इसी से सारे एग्जाम्स निकलेंगे। एसएससी में एक्चुअली वो कैब्स बहुत पूछी जाती है, मेंस में भी और प्री में भी। वैसे एसएससी सीजीएल की तो जो वॉन्ट्स हैं वो तो रुक ही गई हैं, आ ही नहीं रही हैं, मतलब पता नहीं कब उसके एग्जाम होंगे, ठीक है। विल्ट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, इसके 4 वर्ड्स को देखिए, विल्ट, विल्स, विल्स, इसको प्रोनाउंस करिए, मतलब आपको ऐसे इमेजिनेशन में करना है, असली में मत करिएगा, ठीक है, खाली आपको आप याद रख सके इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इन वर्ड्स को ऐसे प्रोनाउंस करिए। एक्चुअली में इनका मीनिंग तो आप देख ही रहे हैं और इनको प्रोनाउंस कैसे करना है वो तो लिखा ही हुआ है, लेकिन आप याद कैसे रखेंगे। एक सिगरेट आती थी विल्स, शायद आती भी है, मुझे पता नहीं क्योंकि मैं पीता नहीं, तो वो क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। याद रखना बेटा, कभी भी कोई भी नशा कर रहे हो आज ही छोड़ दो, स्पेशली ये जो सिगरेट होती है ना इसको तो छोड़ दो, ये विल्स सिगरेट, ये मैं सच में आपको बता रहा हूं, डिस्ट्रॉय कर देगी, खत्म कर देती है पूरे जीवन को। तो ये जो विल सिगरेट होती है क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। हुडलम की बात करें दोस्तों तो इसके पहले वर्ड को देखिए, हुडलम का ओरिजिनल मीनिंग होता है क्राइम और वायलेंस, हुड़दंग आप ऐसे याद रखेंगे। 4 वर्ड को देखिए, हुड और दंग आप अपने हिसाब से लगा दीजिए, बहुत जो कुछ शरारती तत्व होते हैं काफी हुड़दंग लगा मचाते हैं कभी कभी, कुछ मौकों का फायदा उठाकर और काफी क्राइम एंड वायलेंस करते हैं। तो दोस्तों हुड़दंग, हुड़दंगी, क्राइम या वायलेंस, याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2-3 बार आप ऐसे याद कर लीजिएगा, उसके बाद ऐसे जब रियल चीजों से आप रिलेट करेंगे आप कभी नहीं भूलेंगे। इसको जरूर शेयर करिएगा, थैंक यू सो मच।